नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं टुडे एक्सप्रेस न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं अजय वर्मा आप सभी का इस रिपोर्ट में स्वागत करता हूं। यह नजारा फरीदाबाद के नीलम बाटा रोड स्थित आकाश होटल का है, जहां पर जिला टैक्स बार एसोसिएशन के चुनाव को लेकर एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें बार के हर उम्र के तमाम अधिवक्ताओं ने हिस्सा लिया। इस मौके पर मौजूद अधिवक्ताओं ने जानकारी देते हुए बताया कि आगामी 16 दिसंबर को जिला टैक्स बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट व सीनियर प्रेसिडेंट पद के लिए चुनाव होंगे, जबकि 5 सीटों को पहले ही निर्विरोध चुन लिया गया है। इसी के चलते इस मीटिंग का आयोजन किया गया है, जिसमें सभी उम्र के अधिवक्ताओं से अपील की गई है कि वह आगामी 16 दिसंबर को अपने मत का प्रयोग जरूर करें और अच्छे कैंडिडेट को जितवाएं, ताकि आने वाले समय में अधिवक्ताओं के हितों की आवाज उठाने वाला कर्मठ प्रत्याशी ही जीते। उन्होंने कहा कि हालांकि इस चुनाव में भी दो गुट के प्रत्याशी एक दूसरे के आमने सामने खड़े हो रहे हैं, लेकिन उन्हें यकीन है कि उनके गुट के जितने सदस्य आज यहां मौजूद हैं, उससे यह साफ होता है कि उनके गुट के प्रत्याशी डीआर चौधरी ही सबसे ज्यादा वोटों से जीत हासिल करेंगे। ऐसा है, चुनावी माहौल है और जो चुनाव के उपलक्ष्य में ये मीटिंग थी और इसके अंदर इतनी गैदरिंग हुई है कि मैं बहुत ही हम मार्जिन से जीतेंगे इसमें। युवा वकीलों का तो बढ़ चढ़ के समर्थन मेरे साथ ही लग रहा है और हम 150 प्लस से जीतेंगे इस चुनाव। सामने जो है कौन खड़ा हुआ है आपके? मेरे सामने AK चौधरी जी खड़े हुए हैं। मुकाबला कितना कड़ा लग रहा है? मुकाबला मुझे कोई कड़ा नहीं लग रहा है, एक तरफा लग रहा है सारा। तो ऐसी कौन सी समस्याएं हैं जो जीतने के बाद आपकी प्राथमिकताएं रहेंगी? उसके बाद जीतने के बाद तो मेरी प्राथमिकता ये रहेगी कि भाई बार के भलाई के लिए जितना भी मैं काम कर सकूंगा वो करूंगा और मेरे जो युवा साथी हैं उनके लिए बढ़ चढ़ करके काम करूंगा और उनको आगे लाने की का प्रयास करूंगा। क्या अपील करना चाहेंगे? 16 तारीख को चुनाव है और मैं सभी अधिवक्ता भाइयों से ये अपील करना चाहूंगा कि वो बढ़ चढ़ करके इसमें भाग लें और अपने मत का प्रयोग करें और किसी से भी मन भेद ना करें और खूब बढ़ चढ़ करके मतदान का प्रयोग करें। सर, एक बार आपके परिचय के साथ बता दीजिए। बलबीर सिंह एडवोकेट, पूर्व प्रधान, डिस्ट्रिक्ट टैक्स बार एसोसिएशन फरीदाबाद। आज मीटिंग हुई है, सभी को क्या आह्वान किया गया है? ये मीटिंग आपको पता ही है भाई, इलेक्शन है 16 तारीख का डिस्ट्रिक्ट टैक्स बार का, प्रेसिडेंट और सीनियर वाइस प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन है, बाकी 5 सीटों के लिए निर्विरोध कैंडिडेट यहाँ चुने गए हैं। राजेंद्र शर्मा जी जनरल सेक्रेटरी हैं, इसी तरह से 4 सीटें और हमारी जो है निर्विरोध चुनी गई और वो हमारे ग्रुप से ही चुनी गई। ये जो 2 सीटें हैं इनके लिए आज की ये मीटिंग रखी थी कि भाई सभी भाइयों से वोट की अपील की थी और इसमें तो कोई दो राय नहीं कि हम बड़े मार्जिन से जीत रहे हैं, यहाँ हार का तो कोई मतलब ही नहीं है। और अपील इसीलिए की है कि भाई सभी भाइयों को बुला के उनका मान सम्मान किया जाए और वोट की ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जीते, इस यही हमारा आज का उद्देश्य था। शेट्टी साहब, क्या कहेंगे? हालांकि 2 वोट की बात होती है लेकिन भाईचारा भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। सबको, मेरे सभी वकील साथियों को आपके माध्यम से नमस्कार। जैसा कि बार काउंसिल आप पंजाब हरियाणा की डायरेक्शन है कि 16 दिसंबर को पूरे हरियाणा स्टेट में और पंजाब में एक साथ ही एक ही सेम डेट में इलेक्शन हो रहे हैं, सिविल के भी इलेक्शन हमारे फरीदाबाद में। हमारी टैक्स बार मेरे ख्याल से हमारे पूरे हरियाणा की पहली एक सिंगल फरीदाबाद टैक्स बार है जो रजिस्टर्ड है, तो वहाँ पर भी 16 तारीख का इलेक्शन है। नेचुरली है कि एक जब एसोसिएशन के इलेक्शन होते हैं तो 2 गुट होते ही हैं, तो आज हमारे इसे DR चौधरी जी का हम पूरा समर्थन कर रहे हैं और आप इस क्राउड से, युवा साथियों के क्राउड से देख भी रहे होंगे कि DR चौधरी जी को पूरा समर्थन मिल रहा है और ये भारी बहुमत से जीतेंगे। सर देखिए, मैं ये नारा तो नहीं देता जो BJP देती है कि भाई यहाँ 150 पार 200 पार, लेकिन ये क्लियर है कि जीत हमारी होगी और 100% होगी, क्योंकि जीत से ही मोटिव होता है और जीत होनी चाहिए और जीत हमारी होगी, 100% हमारी होगी। मैं अपने सारे युवा साथियों से और सभी अपने वकील बिरादरी, क्योंकि एक बुद्धिजीवी वकील है, बुद्धिजीवी समाज है, सब समझते हैं, तो मैं सभी साथियों से अपील करना चाहूँगी कि अपने मतदान
का प्रयोग जरूर करें, 100% मतदान का प्रयोग करें, क्योंकि इसी से ही भविष्य तय होता है किसी संस्था का। तो मैं तो उनसे ये अपील करूँगा, अपना मतदान डालने जरूर आएँ। और मेरी सभी भाइयों से अपील है कि डीआर चौधरी जी को भारी मतों से विजयी कराएं। मैं सर्वप्रथम तो आप सब अपने सभी अधिवक्ताओं को इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहूँगा कि मुझे सभी ने अपने प्यार और दुलार से अनअपोज्ड जनरल सेक्रेटरी सेलेक्ट किया। और उसी के साथ साथ मैं अभी अपने सभी अधिवक्ताओं से, अपनी सभी वकील बरादरी से, DTBA के परिवार से ये नम्र निवेदन करूँगा कि आने वाली 16 तारीख को प्रधान पद के लिए श्री DR चौधरी जी और वरिष्ठ प्रधान के लिए हरिंदर सैनी जी को अपना कीमती वोट देकर उन्हें भारी मत से विजयी बनाएं और अपनी सेवा करना का उन्हें मौका दें, ताकि वो बार के लिए हम सब की भलाई के लिए और आगे की प्रोग्रेस के लिए अच्छे से अच्छे काम कर सकें और एकजुटता का परिचय दें। धन्यवाद। आपको बता दें, इस मौके पर मुख्य रूप से वरिष्ठ अधिवक्ता NS त्यागी, बलवीर सिंह, महेश शर्मा, संदीप सेठी, संजय डिंडे, राजेंद्र शर्मा, VJ शर्मा, दीपक गेरा, अजय सिंह, अमित कुमार शामिल रहे। वहीं अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूलें, और अगर इस वीडियो को यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं तो टुडे एक्सप्रेस न्यूज़ के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वहीं बेल आइकॉन ज़रूर दबाएँ, क्योंकि हमारी अगली वीडियो जब भी आएगी तो आपको सबसे पहले अपडेट मिल जाएगी। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी दर्शकों का और फॉलोवर्स का धन्यवाद।